आज पानी के तेज धार में बह गया। इससे दरभंगा के पश्चिमी भाग का संपर्क टूट गया है। यातायात बाधित होने के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं घर से बाहर निकलने के लिए नाव का इंतजार करना पड़ रहा है। बहुत दिक्कत है कि उस पार जाएंगे, जितना मार्केटिंग है उसी पार में है, सब्जी लेने जाना पड़ता है, बहुत दवाई लेने जाना पड़ता है, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, यहाँ से लाश उधर से लाश आने को टिकट होता है, पब्लिक को जाने आने का कोई रास्ते नहीं है इसके सिवा, पूल उधर है उसको ज्वाइंट नहीं किया है, एक तो लोहा का इतना बड़ा दे दिया है और पैसे पकड़ पकड़ के वहाँ पर जो हम लोग पार करते हैं। दिक्कत यही है, जाने आने में दिक्कत है, उस पार जाने में, इस पार आने में पुल तो है नहीं, तीन तीन चार किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। 60,000 से ज्यादा संख्या शुभंकरपुर का, जो हम लोग मार्केटिंग करने के लिए बच्चे लोग कैसे स्कूल जाएंगे, पीपा पुल बना हुआ दह गया, अब यातायात व्यवस्था पूरा बंद हो गया, हम लोग का बहुत दूर से एकदम जाना पड़ता है, आना पड़ता है, हम लोग शहरी रह करके देहात में आकर के जैसे लग रहा है देहात में आकर के बस रहे। ये जो पीपा पुल से लोग आ रहे थे जा रहे थे, सारा समस्या हल होते थे, अभी जो है सारा समस्या बेकार हो गया है, बहुत दिक्कत हो रहा है। एक ठेकेदार पीपा पुल को नहीं बना रहा है, पीपा पुल करवा दिया है, फना है, ये हो जाएगा, घटना हो जाएगा, पानी आ गया, टूट गया, आप पुल को पीपा पुल को खोल दिया, स्थिति कमजोर हो गया है, सबको संघर्ष करना पड़ता है, 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, साग सब्जी के लिए, डॉक्टर सबके लिए जाना पड़ता है, अपना अपना दूर।